संविधान ने इजाजत दी है कि विपक्ष जो है अपनी कोई भी बात धरने के जरिए, जुलूस के जरिए, सचिवालय या विधानसभा घेराव के जरिए, कैंडल मार्च के जरिए रख सकता है। और कौन सा तरीका होता है प्रतिकार करने का? अगर कोई विपक्षी दल है और प्रदेश में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, कानून व्यवस्था पट्टी से उतर गई हो, हमारी बहु बेटियों की जो अस्मिता है वो सुरक्षित ना हो, तो विपक्ष किस तरह से प्रदर्शन करेगा? जब 52 दिन के अनशन के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो ऋषिकेश में हमारे कुछ साथी आमरण अनशन पर बैठ गए। उस आमरण अनशन को भी 7 दिन हो गया था, तब भी वहां जो कार्यरत हैं एसडीएम तक वहां उनके पास नहीं पहुंची, ना कोई एम्बुलेंस पहुंची, ना कोई डॉक्टर पहुंचे आमरण अनशन 7 दिन के बाद जो। तो उन्होंने सोचा कि जब मुख्यमंत्री और उनका महकमा हमारी सुध नहीं ले रहा है तो चलो राजभवन जाकर देखते हैं, शायद राज्यपाल महोदय गुहार सुन लें। और केवल 5 लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ आंदोलन या धरने पर बैठने आए थे राजभवन के सामने, ये सोचकर कि महामहिम संवेदनशील होकर उनको अंदर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या बात है। लेकिन किस तरह से मारपीट उनके साथ हुई, मारपीट के उनका किसी का पैर तोड़ा गया, किसी के पेट में लात मारी गई और आधे से ज़्यादा उनमें से अस्पताल पहुंच गए और उसके बाद पुलिस थाने ले जाया गया, पुलिस थाने से उनको पुलिस लाइन में पटका गया, वहां दिन भर बंद रखा गया। तो ऐसे में अब सुना है चाक चौबंद कर दी है सुरक्षा, सुना है धारा 144 लगा दी है और चारों तरफ बैरिकेडिंग या सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसके मन में खोट होता है, जिसकी नीतियों में खोट होता है, वही इस तरह से ताले में बंद रहना पसंद करते हैं। जो जनता का व्यक्ति होता है वो तो राहुल गांधी की तरह भारत जोड़ो यात्रा करता है, बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना कोई बुलेट प्रूफ के। लेकिन हमारे वहाँ उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को और प्रचंड बहुमत की सरकार को शायद अपनी ही जनता से जान का खतरा हो गया है। देखिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास हो या राजभवन हो या इस तरह के सभी जो हमारे सार्वजनिक स्थल, चाहे विधानसभा भवन हो, सभी जगह पर एक प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से रही है और हमेशा से प्रशासन काम इन स्थानों पर अपनी सुरक्षा तैनात करना होता है। और इसी के तहत, क्योंकि जिला प्रशासन या प्रशासन की जिम्मेदारी इन स्थानों को सुरक्षित ढंग से रखना कि इसमें कोई अवांछित तत्व तो किसी प्रकार से न जा सके, तो उसी के तहत ये प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई। इसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये व्यवस्थाएँ रही हैं, चाहे आवा मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे राजभवन हो, चाहे कहीं भी सार्वजनिक स्थल जहाँ पे, वो तो हमेशा इस तरह की व्यवस्था चलती आ रही है।